कर पाऊंगी, मेरे तो पास नहीं, ये सेलर का अथॉरिटी नहीं कांटेक्ट है सर। नहीं है तो आप वहां बैठे क्यों हो? बैठे क्यों हो आप वहां पे? उठ जाओ ना, क्योंकि बैठे क्यों मैं हो? बैठे क्यों हो? कौन कर सकता है सेलर से काम? कौन कर सकता है सेलर से? मैं सेलर से कांटेक्ट कौन कर सकता है? हम कर सकते हैं कि आप नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, तो किसी को भी सेलर बनाकर बैठा दोगे वहां पे? सेलर कुछ भी करेगा। 274 रुपए का प्राइस था दोस्तों, मैं मैं सर ये बात रिकॉर्ड को कर बिल्कुल रहा हूँ समझ आपको पा रही बता हूँ, रहा आप हूँ। परेशान रिकॉर्ड हो नहीं रही है, हो, कॉल रिकॉर्ड हो रही है, बिल्कुल रिकॉर्ड हो हाँ रही है सर जी। आई, जितने भी कस्टमर के साथ बात किया सभी कॉल रिकॉर्ड हो रही है, सभी यूट्यूब पे अपलोड पॉसिबल हो नहीं रही है है। तो मैंने भी पूछे, मुझे ऑफर मिल गया। ये कभी कभी होता है ऐसे, वेबसाइट पे ऑफर ऐसे ऐसे आ जाते हैं, तो आपके साथ भी ऐसा होता रहा। तो मैं ये प्रोडक्ट को ऑर्डर कर देता हूँ, और प्रोडक्ट को ऑर्डर करने के बाद क्या होता है, मैं वहाँ से मुझे प्रोडक्ट मिल जाता है, प्रोडक्ट कुछ दिन के बाद मेरे पास रिसीव हो जाता है। लेकिन वहाँ पे जब 12 बोतल था 274 रुपये में, तो वहाँ पे मुझे 6 बोतल ही प्राप्त हुआ, 6 बोतल ही प्राप्त हुआ था। तो वहाँ पे मैंने बार बार, आज 1 महीना हो गया दोस्तों, मैं एक 7 दिन का ही रिप्लेसमेंट पॉलिसी था, लेकिन मैं 1 महीने से कंप्लेन पे कंप्लेन किया जा रहा हूँ, कोई सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ तक मैंने कंज्यूमर कोर्ट में भी फाइल कर दिया हूँ इस केस को। यहाँ कंज्यूमर कोर्ट का भी यहाँ पे दे दूंगा, यहाँ पे स्क्रीनशॉट आपको दे दूंगा, वो भी मैं कर दिया हूँ, लेकिन ये लोग सुनने को तैयार नहीं है। इस यहाँ पे आपको बताता हूँ, यहाँ पे जो कस्टमर केयर है और ये सेलर है, ज़रूर कुछ ना कुछ मिल के यहाँ से फ्रॉड हो रहा है। आप इस वीडियो को, मतलब आप इस जो एक वॉइस है, वॉइस रिकॉर्डिंग है, मतलब कस्टमर केयर के साथ जो बातचीत हुई है मेरी, उसको आप सुन लीजिए, खुद मालूम चल जाएगा कि ये लोग कितने मतलब वो हो गए हैं। मतलब खुद आप सॉरी के सिवाय कुछ नहीं बोल सकते हैं। प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये लोग के पास नहीं है, बस वहाँ बैठे हैं। आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन के लिए आपको क्या करना चाहिए, मुझे आप ये जरूर कमेंट बताइएगा। पहले ये पूरा वॉइस आप सुन लीजिए, जो रिकॉर्डिंग है वो आप पूरा यहाँ पे सुन लीजिए, फिर आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा कि मुझे नेक्स्ट आपको मुझे क्या करना चाहिए। फोन पे बने रहने के लिए धन्यवाद। माफी चाहती हूँ कि लंबे समय के लिए आपको लाइन पे बने रहना पड़ा है हाँ बोलिए। सर, क्योंकि आपको ऐसी परेशानी फेस करनी पड़ रही है। मैं आपके बिहाफ में जो न्यू रिक्वेस्ट दे रही हूँ वो प्रायोरिटी बेसिस पे हाईलाइट करके देने की कोशिश कर रही हूँ सर, ताकि ये जो प्रॉब्लम है ये जो है सॉल्व करने की कोशिश। सर, सेलर के इनसे रिफंड ऑप्शन नहीं अवेलेबल हो पा रहा है, तो क्या मैं ये रिक्वेस्ट आपके लिए दे सकती हूँ? मैं रिफंड क्यों लूँ? मैं जो कंज्यूमर कोर्ट में रिफंड के लिए तो नहीं किया हूँ, रिफंड तो मुझे मिल जाएगा कभी भी, लेकिन जो ऑफर मुझे था वो ऑफर मुझे चाहिए बस, हमको रिफंड नहीं चाहिए बस। बट सर, क्योंकि सेलर के पास अभी प्रोडक्ट सेलर के पास अवेलेबल नहीं है। प्रोडक्ट नहीं अवेलेबल है तो हम वेट करने को रेडी हैं, हम वेट कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो कंप्लेन है वो बंद ना किया जाए, बस ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मेरा कंप्लेन बंद मत किया जाए, नहीं तो ये मैंने कंज्यूमर कोर्ट में किया तो दोनों पास आपके पास नोटिस जाएगा। हाँ, मुझे प्रोडक्ट ही चाहिए, मुझे रिप्लेसमेंट ही चाहिए, मुझे नहीं चाहिए वो रिटर्न नहीं चाहिए। सर, रिप्लेसमेंट ऑप्शन अभी अवेलेबल नहीं है सर इस तो नहीं प्रोडक्ट है तो का। हमारा प्रॉब्लम है, आपने दिया है ना मुझे, जब मैं परचेस कर रहा था तो आपने दिया था ना रिप्लेसमेंट का, दिया था कि नहीं दिया था आपने, तो हमारी प्रॉब्लम है, नहीं है तो हम तो उसी उसी विहाप में ना हमने प्रोडक्ट को ऑर्डर किया था। नहीं, हम गलत है तो बताइए, हम कहाँ गलत है, किस कहाँ गलत है? हाँ, सेलर को आप लोग बोलते नहीं हो, हम पे आप सुना रहे हो, सेलर को सुनाओ ना इतने जाके, जब उसके पास प्रोडक्ट नहीं था, अवेलेबल नहीं था, तो उन्होंने क्यों ऐसा ऑफर निकाला, क्यों डाला उसमें उसमें वेबसाइट पे? देखिए, मैं बात बात को पैसे बिल्कुल की नहीं है, बात 270 274 रुपए की बात नहीं है, बात यह है कि फ्लिपकार्ट इसमें मिला हुआ है, आप लोग टीम मिले हुए हो, सेलर से मिले हुए हो। ऐसी बात नहीं है हाँ, सर, सेलर से मिले नहीं हुए है तभी सर। ये होता है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, जब से सेलर और आपके द्वारा नहीं मिले हो, जब तक दोनों आप नहीं मिलोगे तब तक नहीं होगा ये। सर आप ही बताइए, अगर ऐसा होता तो प्रोडक्ट अवेलेबल दिखाता, लेकिन यहाँ रिप्लेसमेंट का ऑप्शन नहीं अरे तो आता। भाई, आप उसको बोल सकते हो, जब तुम्हारे पास स्टॉक नहीं था तो ये ऑफर क्यों डाला तुम, और स्टॉक नहीं था तो वो उसी समय हमको भेजता नहीं, प्रोडक्ट ही नहीं भेजता, कैंसिल कर देता, प्रोडक्ट हमको आधा क्यों भेजा वो? नहीं, हम देखिए, मैं बताओ बात कहाँ गलती हम, मेरी गलती कहाँ पे, ये बताओ ना। हाँ, आपके बात को समझ पा रही हूँ, लेकिन मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ सर, इस प्रोडक्ट पे अभी रिप्लेसमेंट ऑप्शन सेलर के से अवेलेबल नहीं है सर। तो हम रिटर्न करेंगे भी नहीं, हमको रिप्लेसमेंट ही चाहिए। देखिए, मैं इसके लिए आपको डिनाई नहीं करूँगी, लेकिन इस रिगार्डिंग अभी रिप्लेसमेंट ऑप्शन अवेलेबल नहीं हो पा रहा है नहीं तो सर। डायरेक्ट मेरे को सेलर से बात कराओ, बात खत्म, मैं उससे को समझ लूंगा, आप नहीं समझोगे तो समझ सकती हूँ, लेकिन आपने कस्टमर सपोर्ट टीम को कांटेक्ट किया है कस्टमर सर, मैं सपोर्ट भी सिर्फ बेकार बैठी है वहां, पैसे खाने के लिए बैठी है, पेमेंट मिल रहा है 10-15 हज़ार रुपये पेमेंट मिल रहा है, उसके लिए बैठी है, प्रॉब्लम सुनने के लिए थोड़ा ना बैठी है वहां पे वो। ठीक है, ऐसी बात नहीं है, हाँ, प्रॉब्लम मैं सुनती प्रोडक्ट को तो नहीं, सेलर को कुछ नहीं बोलता यहाँ पे, कस्टमर से सब जितना भी हो तो सॉरी बोल, कस्टमर को करोगे क्या आप?
जितना मेरे को कन्विंस करने की कोशिश करो उतना आप सेलर को करते कन्विंस करने की कोशिश करते कुछ हो सकता था। सर मैं सेलर को कांटेक्ट नहीं कर पाऊंगी, मेरे पास नहीं सेलर का कांटेक्ट नहीं है। तो आप वहाँ बैठे क्यों हो, बैठे क्यों हो वहाँ पे, आप वहाँ पे उठ जाओ ना, बैठे क्यों हो, बैठे क्यों हो, कौन कर सकता है सेलर से काम, कौन कर सकता है सेलर से, सेलर से कांटेक्ट कौन कर सकता है, हम कर सकते हैं कि आप नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, तो किसी को भी सेलर बनाकर बैठा दो वहाँ पे, सेलर कुछ भी करेगा। मैं बात को बिल्कुल समझ पा रही हूँ, आप कॉल रिकॉर्ड हो रही है, कॉल रिकॉर्ड हो रही है, बिल्कुल रिकॉर्ड हो रही है सर जी, जितने भी कस्टमर के साथ बात किया सभी कॉल रिकॉर्ड हो रही है, सभी यूट्यूब पे अपलोड हो रही है, आ जाके देखिए कंप्लेन और व्यूज जाके देख लीजिए, देखना है तो वहाँ पे। समझ सकती हूँ सर आप बहुत परेशान है इस रिगार्डिंग, लेकिन मैं आपको इसके रिगार्डिंग गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे सकती हूँ ना सर। गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हो तो गलत तो कर रहे हो ना मेरे साथ आप, नहीं दे रहे हो ठीक है, लेकिन मेरे साथ तो गलत तो कर रहे हो ना आप। मैं समझ सकती हूँ सर आपके बात को कि आप परेशान है, लेकिन इस रिगार्डिंग अगर ऐसा ऑप्शन होता तो मैं डेफिनेटली आपके लिए रिक्वेस्ट। नहीं आपके सामने ऑप्शन है बस, कंप्यूटर पर बैठे हो कोई भी कर सकता है बंदा बैठ के वहाँ पे, आप क्यों पेमेंट ले रहे हो, कोई भी बंदा वहाँ बैठ जा कर लेगा वहाँ पे, हाँ जब प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आप लोग के पास है ही नहीं तो हम बैठ के क्या कर रहे हो, कंप्यूटर में देख के तो कोई भी कंप्यूटर चलाता है बच्चा आजकल, आज के डेट में 10-12 साल का बच्चा कंप्यूटर ऐसा चला रहा है कि बैठ के वहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकाल सकता है, फोकट में बैठ के वहाँ पे पेमेंट ले रहे हो आप लोग, आपके पास कुछ अथॉरिटी है ही नहीं, आपके पास कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सॉरी बोलने के सिवाय फ्लिपकार्ट आपको कुछ सिखाया ही नहीं है, बस सॉरी बोलो बस कस्टमर साहब सॉरी बोलो, इतना बोलने के लिए बस आपको सिखाया गया है और उसी का पेमेंट ले रहे हो आप बस, अब मेरे से बात सुनने का और सॉरी बोलने का आपको पेमेंट मिलता है, अब रात को जाकर बैठ कर रियलाइज करना कि सही बोल रहा था कि मैं गलत बोल रहा था, परेशान करके रख दिया हो यहाँ पे, हाँ कंप्लेन को बंद कर वो करते तो मैं कंप्लेन करता हूँ फिर राइज करता फिर उसको करते हो, इतनी बड़ी फ्लिपकार्ट हो गई अभी तक इसका पता ही नहीं सेलर कौन है, सेलर के क्या कॉन्टेक्ट है कुछ भी पता ही नहीं आपको, चलो हम लोग से छुपा करके सेलर का खुद के पास तो होना चाहिए ना, सेलर का कॉन्टेक्ट होना चाहिए ना सर, हर टीम देखिए इस रिगार्डिंग अलग होती है, मैं तो उसी टीम से मेरे को बात करा दो ना, जिससे सेलर से बात हो रही है उसी टीम से मेरे को बात कराओ ना डायरेक्ट, आप क्यों कर रहे हो जब आपसे नहीं हो रहा है तो। सर आपको मैं बताना चाहती हूँ सर, जो भी पॉलिसीज है मैं उसे फॉलो करके आपकी हेल्प करूँगी, मेरी भी पॉलिसी, पॉलिसीज की बात करो तो ये बताओ क्या पॉलिसी में ये नहीं लिखा हुआ था कि रिप्लेसमेंट है, पॉलिसी में नहीं लिखा हुआ कि पूरा प्रोडक्ट देना है, ये नहीं था आपका पॉलिसी में। आप प्रोडक्ट पे सर चेक कर सकते हैं, मैं बिल्कुल समझ पा रही हूँ प्रोडक्ट 7 डेज रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट था सर, लेकिन प्रोडक्ट सोल्ड आउट दिखा रहा है, तो सोल्ड आउट मेरी गलती है, मेरी गलती है, मेरा प्रोडक्ट नहीं लगा सोल्ड आउट, किसी और को कर रहे हो तो मेरी गलती है, फ्रॉड कर रहे हो, मेरे को 6 दे रहे हो दूसरे को 6 दे रहे हो, फ्रॉड मेरे साथ कर रहे हो ना सर। देखिए मैं ऐसा कभी भी नहीं चाहूंगी कि ऐसी कोई परेशानी हो सर, परेशानी हो तुम लोग जितने हो ना आप लोग बैठे हो वहाँ पे आप लोग कर रहे हो, फ्लिपकार्ट का नाम बदनाम करके रखे हो, फ्लिपकार्ट आपके आप लोग का कारण ना, फ्लिपकार्ट के कस्टमर इतने गुस्से में रहते हैं, कभी आईफोन का लफड़ा कभी शॉप का मतलब डब्बे में सभी साबुन डाल दो तो कुछ डाल दो, ये सब कौन करवा रहा है, ये सब कस्टमर केयर और सेलर मिलकर कर रहा है, ये सब जितने भी कर रहे हैं फ्रॉड हो रहा है, और देख लीजिए यहाँ पे जितने भी सुन रहे हैं यूट्यूब वाले सब सुन रहे हैं, जितने भी ये सब दोनों मिले रहते हैं, जितने ही मिले रहते हैं सब कस्टमर केयर मिले रहते हैं और सेलर मिले रहता है, फ्लिपकार्ट मिले रहता है, ऊपर से फ्लिपकार्ट को बेचारा बदनाम किया जाता है, ऐसा तो कभी नहीं, अमेजन के साथ तो ऐसा कभी नहीं होता है, अमेजन का ऐसा कभी नहीं आता है, कितना सारा प्रोडक्ट बेचता है आपसे ज्यादा प्रोडक्ट, एक से एक प्रोडक्ट लाता है, देख लीजिए इनके पास कोई जवाब नहीं है, सुन रहे हैं ना आप लोग, इनके पास कोई जवाब नहीं, अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, देख लीजिए सुन लीजिए पूरे, देख लीजिए पूरे कस्टमर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर सामने यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं और इनके पास कोई जवाब नहीं है बोलने के लिए अभी। देखिए मैं आपको बताना चाहती हूँ सर कि जैसे अगर प्रोडक्ट अवेलेबल रहता है तो ऑलवेज तो मेरे को मैं ये बोलता हूँ प्रोडक्ट अवेलेबल रहे चाहे एक साल में रहे डेढ़ साल में रहे, जब भी प्रोडक्ट गर्मी का दिन अवेलेबल होगा ही होगा, तो मेरा कंप्लेन को क्यों बंद किया जा रहा है, कंप्लेन को राइज रह दिया जब तक वो प्रोडक्ट मेरे पास नहीं आता है, प्रोडक्ट जब तक नहीं आता है वो कंप्लेन को मेरा रीओपन क्लोज मत किया जाए, बस मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्यों हो रहा है बार बार क्यों क्लोज किया जा रहा है मेरे कंप्लेन को, आपका नाम क्या बता रहा? मेरा नाम नेहा है सर। पूरा नाम बता सकते हैं? नेहा ही नाम है सर मेरा। सर नाम कुछ नहीं है आपके पास? मेरा नाम सिर्फ नेहा ही है सर। आपसे आपसे नहीं होगा ना ये
रिगार्डिंग सर सेलर के इनसे सिर्फ रिफंड ऑप्शन अवेलेबल हो पा रहा है सर, मुझे खुद भी बेहद दुख हो रहा है सर। अरे पॉलिसी आपकी पॉलिसी है बोलते हो, पॉलिसी यहाँ पे हम लोग कुछ भी सामान लेने का, इतने सारा बड़ा सारा चार्ट वहाँ नीचे दिखा देता हूँ पॉलिसी के बारे में, अब पॉलिसी कहाँ गई तुम्हारी? हाँ तेल लेने गई पॉलिसी, अभी तो पॉलिसी निकालो ना अभी। सर देखिए एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली सॉरी कि आप इतने समय से इतनी परेशानी फेस कर रहे हैं सर। नहीं कंप्लेंट राइज रहने दो, मैं फोन काट रहा हूँ, कंप्लेंट को राइज रहने दो, ये कंप्लेंट बंद नहीं होना चाहिए, जितने दिन तक मेरे को नहीं मिलेगा कंप्लेंट नहीं बंद होगा। और कंज्यूमर कोर्ट का जो मिला है मुझे एप्लीकेशन नंबर मिला वो भी बोलिए तो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ, स्क्रीनशॉट भेजता हूँ। मैं 270 रुपए के लिए 1799 रुपए का पे किया हूँ, 270 रुपए प्रोडक्ट के लिए मैंने 1799 रुपए का कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल किया हूँ। क्यों किया हूँ? मेरे को प्रोडक्ट का मतलब नहीं है, फ्रॉड है, ये फ्रॉड के ऊपर मुझे वो करना है बस। देखिए मैं बात को बिल्कुल समझ पा रही हूँ सर कि आप इस रिगार्डिंग बहुत परेशान हैं, लेकिन ऑलवेज सर देखिए सारी रिगार्डिंग जो जो इशू आपको फेस करनी पड़ रही है उस रिगार्डिंग हेल्प करने की कोशिश की जा रही है सर। क्या हेल्प कर रहे हो आप? नहीं क्या हेल्प कर रहे हो आप मेरी, क्या हेल्प कर रहे हो आप? रिफंड ऑप्शन अवेलेबल हो पाए, रिफंड क्यों करना है? रिफंड क्यों? वहाँ पर रिप्लेसमेंट तो आप दिया ना पॉलिसी में, रिप्लेसमेंट का दिया होता, रिप्लेसमेंट क्यों नहीं कर रहे हो आप? सर देखिए क्योंकि रिप्लेसमेंट ऑप्शन अभी अवेलेबल नहीं हो पा रहा है सेलर, तो मैं बोल रहा हूँ कि नहीं हो रहा है तो सेलर से बात करो ना, नहीं तो कंप्लेन को राइज रन दो ना। क्यों क्लोज कर रहे हो बार बार आप मेरे को, क्यों परेशान कर रहे हो आप लोग बार बार? देखिए अगर मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन होता तो मैं डेफिनेटली आप जॉब छोड़ दो, जॉब छोड़ दो, छोड़ दो जॉब। सर देखिए सर इतना इतना सुनने से अच्छा है ना, इतना सुनने से अच्छा है ना कि घर पर बैठ के हाउस वाइफ बन के बैठो, इतना क्यों सुनते हो 10,000-15,000 के लिए क्यों सुनते हो इतना आप लोग कस्टमर का? देखिए मैं आपको बताना चाहती हूँ सर, मैं बिल्कुल समझ पा रही हूँ आप बहुत परेशान हैं, मैं खुद अगर आपके जगह पे होती तो ये इशू जब होता मैं शाउट कर जाती, बट देखिए आप इतने इतने टाइम से कोऑपरेट किए हैं सर, मैं खुद भी अगर आपके जगह पे होती ना सर तो मैं बिल्कुल पेशेंस के साथ बात नहीं कर पाती। ठीक है आपको कर रखो भाई, आपसे कुछ नहीं होगा, आप सॉरी बोलने के आप कुछ नहीं कर सकते हो, मैं कुछ और कर लूंगा, आप फोन रख सकते हो। सर देखिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी इनसे मैं कॉल डिस्कनेक्ट नहीं कर सकती।